मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितना परफेक्ट हुआ है ना। लड्डू तो आपने बहुत खाए होंगे, एक बार चने के सत्तू से इतनी बेहतरीन लड्डू बना के देखिए, जो बच्चे और जिसको खिलाएंगे वो भी हैरान हो जाएंगे कि चने के सत्तू से। जी हाँ, खास बारिश के मौसम में जो घुटने, कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी हो जाती, थकान, आँखों की कमजोरी, तो ये ज़रूर लड्डू बना के खाइए। हर रोज़ एक लड्डू और बच्चों को भी दीजिए, बहुत बेहतरीन फ़ायदा होगा, आप खुद रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए देखिए रेहाना किचन में किस तरीके से बना है ये बेहतरीन लड्डू। बेसन का लड्डू तो आपने बहुत खाया होगा, आज हम बनाएंगे चने के सत्तू का लड्डू। जो चना होता है उनको भून के पीसते हैं तो वो सत्तू बन जाते हैं, तो बहुत परफेक्ट तरीके से न्यूट्रिशन, विटामिन भरपूर होता है, बच्चों को हेल्दी, खुद भी खाइए, बहुत फ़ायदा करता है। तो उसी की लड्डू आज मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको हम भूनेंगे, उससे पहले हम ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद है वो ले सकते हैं, यहाँ पे कोई ये नहीं कि यही डाली। तो मैंने यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े रख लिए हैं, और यहाँ पे ये मेरे फ्रूट्स वाले जो ओट्स होते हैं उसको भी मैं ले ली, जिससे कैल्शियम, विटामिन्स भरपूर मात्रा में हो। थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट भी इसके अंदर है, बहुत से बीज है। तो चलते हैं फटाफट इसको रोस्ट करने गैस पे। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मोटे तले का बर्तन और खुला रखेंगे, ताकि एकदम परफेक्ट आसानी से बन जाए। तो गैस को हम ऑन करेंगे, थोड़ा सा इसे गर्म करते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई तो एक चम्मच हम देसी घी डाल देंगे, सिर्फ एक चम्मच डालेंगे इसके अंदर। फ्लेम लो कर देंगे और सारे ड्राई फ्रूट को जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा हमें नहीं जलाना है, सिर्फ लो फ्लेम पर 2 मिनट तक इसका कच्चापन निकालना है। अच्छे से इसको घी में हम भून लेंगे। ये लड्डू आप किसी मौसम में आप बना के खा सकते हैं, बच्चों को खिलाइए, बहुत विटामिन्स, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी बनते हैं। तो इस तरीके से हम भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो मखाने भी ले सकते हैं। तो इसको हम एक बर्तन में फटाफट निकालते हैं ठंडा होने के लिए। कढ़ाई में हम ले लेंगे मेजर कप से 1 कप घी है, जमा हुआ है इसलिए लग रहा है, लेकिन ये 200 ग्राम के करीब घी है, देसी घी। के अंदर हम डाल देंगे सत्तू को, सत्तू को हमने पहले से ही चाल लिया है। तो यहाँ पे मेजर कप से मैं 2 कप डालूँगी सत्तू। चला लेंगे और इसे हम चला लेंगे। एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ कि जो बेसन के लड्डू बनाते हैं तो बेसन कच्चा होता है, तो बेसन को हमें बहुत भूनना होता है, और चने को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, क्योंकि चना के जो सत्तू होते हैं ऑलरेडी भून के ही पीसा होता है, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना जाता है। सूखा दिख रहा है तो मैं और भी घी 100 ग्राम के करीब इसके अंदर डाल दूँगी, टोटल 300 ग्राम घी। यहाँ पर घी जाने के बाद इस तरीके से हो जाएगा लिक्विड की तरह। तो यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट तक इसी तरीके से करना है। तब तक मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट को पीस लिया है, बादाम है सारे, तो यहाँ पे इसी को मिक्स कर देंगे। साथ ले लेंगे इलायची का पाउडर, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। इलायची के पाउडर जाते ही इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगी, बहुत बेहतरीन ये लड्डू सबको पसंद आने वाले हैं। बेसन के लड्डू से भी टेस्टी होते हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा और बहुत फ़ायदा करते हैं। चंगा इस तरीके से इकट्ठा होने लगे तो ये परफेक्ट भून। इस तरीके से 15 मिनट हो गया है, हमने लो फ्लेम पे भून लिया है, तो देख सकते हैं हल्का हल्का इसके अंदर झाग सा आने लगा है। तो इसको मैं बहुत हेल्दी बनाऊंगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं चीनी नहीं गुड़ यूज करूँगी। तो गुड़ को हमने कद्दूकस कर लिया, तो यहाँ पे 1.5 कप मैं गुड़ डालूँगी। अब इसे हमें मिक्स कर देना है इसी के अंदर, आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हेल्दी बनाना है तो एक बार गुड़ से बनाइएगा, बहुत अच्छा होता है। ख़ास तौर से ये बारिश का सीज़न जब आता है ना, आप
सत्तू के लड्डू बना के दीजिए, बहुत हेल्दी, बहुत कैल्शियम भरपूर मात्रा में बच्चों को बड़ों को मिलेंगे, जिसके कमर में घुटने में बारिश होने पे दर्द बढ़ जाते हैं ना, आप रोज़ ये लड्डू एक खिलाइए, एकदम फटाफट ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं एकदम गुड़ अच्छे से मिक्स हो चुका है, कलर भी कितना बेहतरीन आया हुआ है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। सारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं तो इसे हम दरदरा पीस लेते हैं। जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखा है इसे भी इसके अंदर हम डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट को इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। चाहो तो आप सारे ड्राई फ्रूट के भी सिर्फ लड्डू बना सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी और टेस्टी होगा, विटामिन्स और कैल्शियम से भरपूर होगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट को हम अच्छे से कटोरी से देखिए मिक्स कर लेंगे। अगर घी आपको कम लगे तो इसमें मिक्स कर सकते हैं, लेकिन घी एकदम परफेक्ट है तो इसे हम घी नहीं डालेंगे, सिर्फ कटोरी के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो एकदम परफेक्ट दानेदार इतने बेहतरीन लड्डू बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने परफेक्ट लड्डू कैसे बन गए। तो ये लास्ट में मिक्स करने का ट्रिक होता है कि कोई हैवी बर्तन ले लीजिए, उसे इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से हम उठाएंगे और लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो लड्डू हम मीडियम साइज़ के, जैसे बेसन के लड्डू होते हैं ना, उसी साइज़ का हमें बनाना है। बहुत बड़ा नहीं करना है ना, बहुत ज़्यादा छोटा। तो इस तरीके से हाथों पे फटाफट हो जाते हैं एकदम गोल, और थोड़ा सा इस तरीके से हम जब लास्ट में हथेलियों पे, जिससे एकदम गोल हो जाए चिकना। तो देखिए इस तरीके से हम लड्डू बनाएंगे तो परफेक्ट है। आपकी भी उम्मीद है कि बेहतरीन बनेगी लड्डू, करके दिखाती हूँ। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। देखिए पहले हाथों से इस तरीके से टाइट कर देंगे, फिर उसके बाद हम हथेलियों पे लेंगे इस तरीके से, गोल बन गया ना। तो इसी तरीके से हम सारा बना लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं सारे लड्डू हमने बना के रख लिया है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े हम पिस्ता को बारीक कर लिए हैं, इससे हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने पिस्ता से बारीक एकदम गार्निश कर लिया, जो देखने में भी लुक एकदम परफेक्ट हो। लड्डू का नाम सुनते ही घर में बच्चे बड़े सभी खुश हो जाते हैं कि आज लड्डू बन रहा है या लड्डू आ रहे। तो जी हाँ, ये चने के सत्तू के लड्डू हैं, जो आप हैरान हो जाएंगे कि इस तरीके के लड्डू इतने बेहतरीन तरीके से, जो विटामिन्स और कैल्शियम से भरपूर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।